पीएम मोदी आज सोलवेस्ट एशिया समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। अमेरिका, चीन, रूस समेत 18 देश भी होंगे शामिल। पैगासस जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला, सर्वोच्च अदालत करेगी तय, कैसी होगी जांच, नेताओं से लेकर पत्रकारों तक ही जासूसी के हैं आरोप। आर्यन खान की जमानत पर आज दोबारा सुनवाई, बचाव में मुकुल रोहतगी की सबसे बड़ी दलील, आर्यन से नहीं मिले ड्रग्स, एनसीबी की दलील, जमानत मिली तो आर्यन गवाहों को करेगा प्रभावित। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं बड़ा धमाका, आज नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे संगीन आरोपों की जांच शुरू, मुंबई में आज एनसीबी की स्पेशल टीम करेगी सवाल, बागी हुए गवाह प्रभाकर को भी किया तलब। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों के बीच पिता ज्ञानदेव का आया जवाब, कहा मैंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, राजनीति कर रहे नवामलिक। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव का बयान, महाभारत के अभिमन्यु की तरह दुश्मनों से घिरा हुआ है उनका बेटा, बोले अर्जुन की तरह, इस चक्रव्यूह से आएगा बाहर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में आगे आई हिंदू सेना, दिल्ली की दीवारों पर लगाए पोस्टर, लिखा समीर वानखेड़े को सलाम। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक भी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर, पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर लगाए गंभीर आरोप, जाति और धर्म को लेकर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम, कहा समीर वानखेड़े ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए। नवाब मलिक ने जारी किया जोनल डायरेक्टर का बर्थ सर्टिफिकेट, बोले समीर वानखेड़े पूरा नाम है समीर दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक आरोप, समीर वानखेड़े के पिता दलित थे और मां मुस्लिम, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का लगाया आरोप, कहा समीर वानखेड़े ने एक दलित का हक छीना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नवाब मलिक, कोई जांच एजेंसी गलत नहीं होती, एक बार एक गंदी मछली गंदा कर देती है पूरा तालाब, बोले जांच होगी तो साफ हो जाएगा तालाब। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर इशारों में सोनिया गांधी का बड़ा वार, पार्टी महासचिव व प्रभारियों की बैठक में कहा निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन को करें मजबूत। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा कांग्रेस का संदेश, नीतिगत मुद्दों पर नेताओं के बीच भी कंफ्यूजन। मनाली केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट का फरमान, 29 अक्टूबर को पेश होने का किया आदेश, गुजरात के मंत्री पुर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था केस। राहुल गांधी ने साल 2019 में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी, जिसके बाद बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था मानहानि का मुकदमा। लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई यूपी सरकार को फटकार, घटनास्थल पर 4000 की भीड़ में सिर्फ 23 चश्मदीद मिलने पर पूछे गए सवाल। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, जांच में तेजी लाए सरकार, गवाहों की सुरक्षा देने के लिए भी कहा कि 8 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच सनातनी, लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा आरजेडी ने की कांग्रेस की सबसे ज्यादा मदद, अभी तैयार। लालू यादव ने कांग्रेस को दी राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की नसीहत, कहा देश की जनता इस वक्त चाहती है विकल्प, विपक्ष में कांग्रेस का रोल नहीं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की सियासी जंग के बीच लालू यादव ने की तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ, कहा मेरी अनुपस्थिति में बखूबी संभाली पार्टी, उम्मीद से ज्यादा सीटें जीती आरजेडी। पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न पर रिपोर्ट दर्ज करने पर आतंकी संगठन की धमकी, रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले से की माफी की मांग। पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर में मना था जश्न, पाकिस्तान के आतंकी संगठन यूएलएफ ने जारी की थी चिट्ठी, गैर कश्मीरी छात्रों और स्टाफ को दी गीदड़। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 24 करोड़ 52 लाख से ज्यादा के फिजाए सामने, 22 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा केसेस, 13,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, दिन में 584 लोगों की गई जान।
भारत में कुल कोरोना के केस 3,42,00,000 के पार। अब तक करीब 3,35,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 4,55,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,00,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 300 के पार। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 270 नए केसेस। कुल मामले 29,86,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 38,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 66,00,000 के पार। 22,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा केस। कुल मामले 24,97,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 400 से ज्यादा कोविड के केस। कुल मामले 20,64,000 के पार। 20,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक्टिव केसेस की संख्या 4,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4 नए केसेस। संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 से ज्यादा। एक्टिव केसेस की संख्या 90 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 800 से ज्यादा केस। कुल मामले 15,88,000 के पार। 15,61,000 लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 19,000 से ज्यादा। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 8 नए केसेस। कुल मामले 7,00,000 के पार। 39 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में 15 नए कोविड के केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 लोगों की रिकवरी। 28 लोगों का इलाज जारी। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 255 नए केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा। 1,700 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,94,00,000 के पार। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO की मान्यता का अभी और करना होगा इंतजार। WHO ने भारत बायोटेक से मांगी और जानकारी। WHO का तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवंबर को करेगा बैठक। WHO की मंजूरी मिलने के बाद कोवैक्सीन का हो सकेगा आपातकालीन इस्तेमाल। पंजाब सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और बिक्री पर लगाया बैन। सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही दी 2 घंटे तक फोड़ने की अनुमति। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लिया गया फैसला। पंजाब में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। दिल्ली सरकार भी बढ़ते प्रदूषण के चलते लगा चुकी है पटाखों की बिक्री पर बैन। दिल्ली के उल्ट सीमापुरी में दर्दनाक हादसा। एक इमारत में लगी भीषण आग। आग के बाद दम घुटने से 4 लोगों की गई जान। मकान की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में लगी आग। मारे गए सभी लोग एक ही कमरे में थे मौजूद। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घर में आग लगने की वजह से अभी साफ नहीं। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे लगी मकान में आग। इलाके के लोगों ने दी फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना। आम जनता पर महंगाई की मार जारी। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा तो डीजल में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 107.94 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम तो 96.67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा डीजल। मुंबई में 113.80 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम। 104.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा डीजल। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 108 के पास। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को लेकर विशेष सत्र का आयोजन। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार के लिए सिरसा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। जनसभा को किया संबोधित। प्रचार के दौरान रंधावा गांव में सीएम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बिजली मंत्री समेत कई दिग्गज नेता रहे मौके पर मौजूद। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विपक्ष आपके समक्ष। कार्यक्रम को मिल रहा जनता का साथ। गठबंधन सरकार को बताया विफल। धान खरीद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा उचित दाम पर नहीं हो रही फसल खरीद। किसानों को हो रही परेशानियां।
भूपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले 7 सालों में सरकार ने नहीं किया कोई विकास, समाज का हर वर्ग सरकार से गलत नीतियों के कारण परेशान है। कानून व्यवस्था पर भी हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब, लगातार अपराधों की संख्या में हो रहा इजाफा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बैंकिंग में 13वें स्थान पर आने पर सरकार पर भड़के हुड्डा, बोले सरकार के गलत फैसलों के चलते बदतर हो रहे हालात। पाकिस्तान की जीत के बाद देश में जश्न मनाने वालों पर भड़के गृहमंत्री अनिल विज, ट्वीट कर पटाखे फोड़ने वालों को बताया देश विरोधी, कहा नहीं हो सकते भारत के नागरिक। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, बोले डेंगू को लेकर नियंत्रण में स्थिति, पिछले 20 दिन से कम केस दर्ज किए गए। गृहमंत्री विज ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, कहा त्योहारी सीजन में बढ़ सकते हैं मामले, सतर्कता से मनाएं त्योहार। कोरोना महामारी को लेकर भी बोले अनिल विज, नियंत्रण में है कोरोना, अभी नहीं हुआ पूरी तरह से खत्म, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर अनिल विज का पलटवार, कहा कई गुना बढ़ा स्वास्थ्य बजट, 2,54,00,000 लोगों को किया वैक्सीन। कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर अनिल विज का बड़ा बयान, बोले लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का अधिकार, संयम का परिचय दे रही सरकार। 2 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। नू में आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए गांव-गांव जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोगों के लिए गोल्ड कार्ड बनाने का करेगी काम, अभी तक कुल 75,000 के करीब लोगों को बनाया गया आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य विभाग ने बनाया लक्ष्य, कहा सभी लोगों को मिलना चाहिए योजना का लाभ, आयुष्मान कार्ड बनने के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में 5,00,000 रुपये तक की मदद मिली। तो शाम में उपडाकल घर का एसडीएम मनीष कुमार ने किया उद्घाटन, डाकघर के कर्मचारियों समेत तमाम लोग मौके पर रहे मौजूद। जुलाना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी की उठाई मांग, प्रशासन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। आंदोलनकारियों की तीनों कृषि कानून को भी रद्द करने की मांग उठाई गई, एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने का भी लगाया आरोप, तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। अंबाला में आंदोलनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव, लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की उठाई मांग। डीएपी खाद नहीं मिलने से नारनौल के किसानों में दिखा आक्रोश, किसानों ने नारनौल रेवाड़ी रोड का किया जाम, 3 घंटे तक जाम लगने से लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। नाराज किसानों का आरोप, रात भर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद, कहा बिना खाद सरसों की बिजाई संभव नहीं। करनाल के चांद सराय इलाके में पानी की किल्लत के चलते स्थानीय नागरिकों ने किया प्रदर्शन, 3 दिनों से लोगों को नहीं मिल रहा पानी, प्रशासन ने जल समस्या के समाधान का भी दिया आश्वासन। रोहतक में हरियाणा रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, महाप्रबंधक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। करनाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला सचिवालय के सामने आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन, लखीमपुर हिंसा को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की उठाई मांग। फरीदाबाद में लगातार पैर पसार रहा डेंगू, सौताई गांव में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार, 3 लोगों की अब तक मौत, बीमारी से बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। पानीपत में भी लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, अब तक 65 केसों की पुष्टि, पिछले 24 घंटों में 2 की गई जान। करनाल में एक निजी स्कूल के बाहर छात्रों ने की मारपीट, जानकारी के मुताबिक लड़की से छेड़छाड़ का बताया जा रहा मामला, युवती के भाई ने विरोध किया तो छात्रों ने शुरू की थी मारपीट। मारपीट के दौरान युवती का भाई गंभीर रूप से घायल, परिवार वालों ने पुलिस में दी शिकायत, मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में घर पर गोलियां बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के तहत दिया था वारदात को अंजाम, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया काबू। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग की टीम का बड़ा एक्शन, हाईवे पर स्थित मिल्क प्रोडक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी, मौके पर मौजूद बड़ी मात्रा में पनीर मावा समेत
दूध से बनी चीज बरामद। बिना लाइसेंस और सर्टिफिकेट के चल रही थी मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री, पकड़े गए मावे और पनीर के सैंपल की जांच शुरू। फैक्ट्री में 4 से 5 दिन पहले से रखा हुआ था दूध। रतन में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 8 मिठाई की दुकान और दूध डेयरियों पर मारा छापा। दुकान से जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे खाद्य सामग्रियों के सैंपल। फूड सेफ्टी विभाग के जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारों के सीजन पर मिलावटी मिठाइयां ना बने, इसको लेकर हो रही जांच। अगर सैंपल में मिलावट पाई गई तो दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अमृतसर के इंदिरा कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। नांगल चौधरी में चोरों का आतंक, शहर की कई दुकानों को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर क्या साफ, लोगों ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। दुकानों के शटर तोड़, चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम, दुकान के मालिकों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। शाम में गुरुजी ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग के बाद लूट की वारदात, लाखों के गहने ले उड़े चोर। शाम में बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने पीड़ित दुकानदार से की मुलाकात, लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी का भी दिया आश्वासन। रोहतक के कसरेटी गांव में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर आपस में टकराई दो स्कूलों की बस, हादसे में बस चालक समेत 6 बच्चे घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, दिल्ली से पंजाब जा रही ट्रक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक नाबालिग की मौत। जींद के बराड़खेड़ा गांव में किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने की आत्महत्या करने की कोशिश, फंदे में झूलते देख मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने की मदद, मामला सुलझाने के दौरान 2 अधिकारियों को आई गंभीर चोट।